सो वेलकम टू ऑल माई सब्सक्राइबर टू योर वॉइस एट रशीद दिस चैनल। सो गाइज, आज कोई अनभक पे वीडियो वगैरह नहीं है, आज एक वीडियो है फिलिस्टीन्स के लिए। जैसे कि जो इसराइल और पैलेस्टीन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो वॉर चल रहा है, तो उसमें लोगों ने बताया था कि हम लोग कैसे मतलब प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना है इसराइल के। तो गाइज, फाइनली किसी ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसमें उस ऐप के थ्रू आप पूरे लिस्ट देख सकते हो, या फिर आप कोई प्रोडक्ट लेने जा रहे हो तो आप लोग स्कैन कर सकते हो, और आप लोग स्कैन करके उस प्रोडक्ट को आप लोग जान सकते हो कि वो क्या वो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो गाइज, मैं आप लोगों को अभी एक फ़ोन की स्क्रीन पे लेके जाऊंगा, मैं अपनी स्क्रीन और रिकॉर्डिंग ऑन करूंगा और मैं आप लोगों के सामने लाइव उस चीज़ को करके दिखाऊंगा। मेरे पास एक इसराइल प्रोडक्ट है जो मैं बहुत पुराना है, ठीक है, और एक जो न्यू प्रोडक्ट है जो उसके बिहाफ में मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं आपके सामने दोनों को स्कैन करके आपको बताऊंगा और उस एप्लीकेशन के बारे में भी बताऊंगा आपको। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लोगों को बताओ फ्री प्रमोशंस के बारे में। अगर आपका यूट्यूब चैनल कोई भी गलत चीज़ को प्रमोट नहीं किया है तो मैं आपको फ्री में प्रमोट कर दूंगा। सेकेंड चीज़, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप लोग मुझे वहां जाके DM कर सकते हो और फॉलो जरूर कर लेना अगर आपको प्रमोशंस वगैरह कराना है। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं हम लोग कैसे इसराइल के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर सकते हैं और कैसे नहीं। ये आप लोग मेरे फोन की स्क्रीन पे आ चुके हैं और आप लोग ये देख रहे हैं, ये ऐप है नो थैंक्स ऐप, ठीक है, ये नो थैंक्स ऐप है। ये आप लोगों को प्ले स्टोर पे या फिर ऐप स्टोर पे कहीं पर भी मिल जाएगा। अगर आप आईफोन यूज करते हैं या आप एंड्रॉइड यूज करते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को डायरेक्टली अपने अपने स्टोर पे मिल जाएगा ये एप्लीकेशन है नो थैंक्स। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप लोग वहां से भी जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी शुरू करते हैं हम लोग ये नो थैंक्स ऐप हम लोग खोलेंगे। तो आपको पहले आएगा कौन सा आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, तो आप लोग अपना प्रीफर लैंग्वेज जो भी है आपके आप वो यूज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, अब आपको जाता हूँ मैं आपको लिस्ट पे लेके। तो ये जो लिस्ट है इसमें आपको ऑलरेडी बहुत से ऐसे कंपनीज है जो सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल को, वो आपको मालूम पड़ जाएगा। देखिए इसमें एक एक करके आप लोग देख सकते हैं कौन कौन सी कंपनीज है, जैसे निकलोडियन, जैसे हमारे कार्टून वर्क, कार्टून नेटवर्क्स, या जो भी कोई भी ब्रांड्स, सिर्फ ब्रांड्स ही नहीं गाइस, जो भी हम लोग डेली यूज के लिए देखते हैं करते हैं, तो वो सब चीज़ भी आपको इसमें मिल जाएगी, ठीक है। ये देखिए एक 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 चीज़ का नाम आएगा इसमें आप लोगों को, कौन कौन सी चीज़ें जो इसराइल को सपोर्ट करती है। ये हो गया लिस्ट। अब इसमें अगर आपको कुछ समझा को समझ में नहीं आ रहा है, तो जैसे मैं लिखता हूँ किटकैट, तो देखो किटकैट भी ये है, इसी में है बॉयकॉट लिस्ट में। तो आप लोग सर्च करके भी उस एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन के थ्रू उसको देख सकते हो। सेकेंड चीज़ गाइज, अगर ये आपको न्यूज़ मिलेगा कि कौन कौन से ब्रांड अभी ऐड हुए, जैसे H&M भी ऐड हुआ है, एरा, डिलैया, सीरा मेस्ट, ये सब। अब बात करते हैं स्कैन की, तो ये है स्कैन का। अब जैसे कि ये है नेस्कैफे, ये मेरा बहुत पुराना प्रोडक्ट है, बहुत पहले यूज़ करता था, तो आपको समझना नहीं कि मैं इसराइल प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, बॉटल की हालत देख के आप लोगों को समझ जाएगा। तो पहले मैं इसको स्कैन करता हूँ, ये देखिए ये मैंने स्कैन किया, ये भी इसको स्कैन करा और देखो आ गया लिख के दिस प्रोडक्ट इज ऑन द बॉयकॉट लिस्ट, ठीक है। अब कॉफ़ी लवर है, सब लवर है कॉफ़ी लवर, तो मैं अब नेस्कैफे के बिहाफ में ये अलीटी कैफे यूज़ करता हूँ, तो मैं आप लोगों को इसको भी स्कैन करके दिखाता हूँ कि क्या ये इसराइल प्रोडक्ट है या नहीं। तो ये देखिए मैंने इसको भी आपके सामने स्कैन किया, दिस प्रोडक्ट इज गुड फॉर नाउ, यानी ये अब तक इसराइल को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो जिस दिन ये इसराइल को सपोर्ट करेगा तो ये आपको वापस मालूम पड़ जाएगा, आपको लिंक मतलब आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे सपोर्ट की बात करते हैं, तो अगर आपको कुछ डोनेट करना है या कुछ भी, तो आप लोग यहाँ जाके डोनेशंस भी कर सकते हैं, बट इसको डोनेट करने के लिए आप लोगों को पेपल अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट हो रही है, इसमें डोनेशंस जो भी हो रहे हैं डॉलर्स में हो रहे हैं। तो आप लोगों को इन्वेस्ट करना है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग अपना पेपल अकाउंट बहुत ईजिली बना सकते हो गाइस। पेपल अकाउंट बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोग यूट्यूब पर अगर सर्च करोगे पेपल अकाउंट के बारे में तो आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा। तो गाइस आपने देखा किस तरीके से ये एप्लीकेशन मुस्लिम का एप्लीकेशन है, जैसी बात है किसी मुस्लिम ने ये बनाया है, आप लोग इसके बारे में गोथ्रू कर सकते हैं, मैं ज़्यादा कुछ गोथ्रू नहीं कर रहा। तो गाइज अब आपका पहला सबसे पहला काम किया, अगर आप कुछ भी लेने जाओ तो आपके पास ये एप्लीकेशन होना चाहिए और आप लोग को स्कैन करना है। मैं आपको बता दिया हूँ कि आप लोगों को ये एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर मिल जाएगा। तो अपने भाइयों बहनों को सबको सपोर्ट करो, सबको ये वीडियो शेयर करो, ये एप्लीकेशन शेयर करो, ताकि इसराइल को फंडिंग ना मिले और हमारे भाई जो वहाँ पे मर रहे हैं, जो इस चीज़ के लिए मतलब क्या ही बोल सकते हैं, आपको पता है फिलिस्तीन को सपोर्ट करने के लिए ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, कोई रिलीजन नहीं, क्योंकि जो इसराइल कर रहा है वो बहुत गलत है, अल्लाह उसको हिदायत दे कि ये ना करे वो। और
आप अपना बॉयकॉट चालू रखो, क्योंकि बॉयकॉट करने से बहुत कुछ चीजों में फर्क पड़ता है। और गाइस आप लोग देख सकते हैं न्यूज वगैरह में, गोदी मीडियाज नहीं, न्यूज इंस्टाग्राम की न्यूज, अल जजीरा है, बहुत सारे न्यूज है जहां पे आपको मालूम पड़ेगा कि बॉयकॉट करने से, मैकडोनल्ड के बॉयकॉट करने से मैकडोनल्ड कितना नीचे गिर गया है सेल्स स्टारबक्स का। तो इसी तरह आप लोग अपना बॉयकॉट चालू रखिए और इंशाल्लाह पैलेस्टाइन विल बी फ्री और फ्री पैलेस्टाइन। अस्सलाम वालेकुम, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।